हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एमएस चौहान के वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में। आज के वीडियो में हम 71 टू 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। इनिशियली यहाँ पर एल्कोहल्स दिए हुए हैं। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि क्या एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, अपने पास जो प्राइमरी एल्कोहल है उसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी एल्कोहल है उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। तो ए हमारे पास जो बनेगा, ए जो अपने पास कंपाउंड बन रहा है वो यहाँ पर होगा इस तरह का कंपाउंड, कि हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट हो गया इसमें और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है। इसके बाद अपन इसके किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसके आप ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं अपन, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये किसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यदि अपन रेट देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रेट है वो एल्डिहाइड्स में हमेशा ज़्यादा होती है किसकी, कीटोन की। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली डेल प्लस चार्ज की वजह से, डेल प्लस चार्ज कार्बन पे ज़्यादा होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरिक एंट्रेंस भी लेस है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ इस तरफ एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लेस स्टेरिक एंट्रेंस भी है, ठीक है। लेस स्टेरिक एंट्रेंस होने की वजह से ये इस पर अटैक करेगा। तो अब एल्डिहाइड कीटोन्स की इस तरह के कंपाउंड्स के साथ में जो रिएक्शन अपन मेनली कराते हैं, तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ करते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, इसकी आप क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल कर देंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन अपन क्या किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया CH, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला अनअफेक्टेड है। अब इसके बाद में क्या है, बी हमारे पास दिया हुआ है MeMgBr के, अपन ने रिएक्शन करानी है यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब MeMgBr का किस पे अटैक नहीं हो सकता, इन पे तो अटैक नहीं हो सकता क्योंकि इथर्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सोल्यूबल नहीं होते, यानी सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, रिएक्शन नहीं होती है इथर्स के साथ। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और H प्लस से ये O माइनस जो बन रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो इससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर अटैक क्या किया था, CH3 ने। इसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही अपने अनअफेक्टेड रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने पास क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस H3O+। तो H3O+ अपन करेंगे तो H3O+ से क्या होगा, ये दोनों ईथर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। यानी ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, क्योंकि ईथर्स क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर जाते हैं, ओनली एसिडिक मीडियम में ही इनकी रिएक्शन होती है। यहाँ पर दोनों कार्बन पे OH लग गया जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो गया तो अपने पास ये हो गया OH CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, ठीक है। ये हमारा सी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सी के बाद में अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NaBH4। NaBH4 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको रिड्यूस करेगा, अपने एल्डिहाइड को, एल्कोहल को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल में। तो अपना यहाँ पर वैसा का वैसा यह मॉलिक्यूल रख दीजिए CH3, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट डी ये होगा, जिस कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में पूछा गया, सेलेक्ट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अपने पास ये दोनों कंपाउंड्स यूज़ किए गए, ये किससे बन सकते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए में हमारा ये देखिए कैसे बन रहा है, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन विद CH3Li। तो साइक्लोहेक्सेनोन अपने पास क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनोन अपने पास ये है, ठीक है। इसके आप CH3Li के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप से रिएक्शन होगी, CH3- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये O- और CH3। फिर यहाँ पर एसिडिक मीडियम में यदि अपन दे प्रोवाइड करा देते हैं एडिशनली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा OH और CH3, जो कि अपने पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, रिएक्शन ऑफ 1-methylcyclohexene। 1-methylcyclohexene अपने पास ये वाला मॉलिक्यूल है, उसमें आपने मर्क्यूरिक एसिटेट फॉलोड बाई NaBH4। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के मतलब क्या है कि जो भी OH है इसमें H और OH ग्रुप ऐड होता है। तो OH ग्रुप कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो यहाँ पर टर्सरी पे
ज़्यादा होगा तो इससे फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो अपना क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन की वजह से ओ एच यहाँ पर लग जाएगा, सी एच थ्री ये है ही और एच यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो ऑप्शन भी अपने पास इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, यानी साइक्लोहेक्सीन अपने पास ये वाला है, इसका किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बी एच थ्री एन ए ओ एच विद एच टू ओ टू, तो ये अपने पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी ऐसा ही है जैसे ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, बट ये जो अपने पास रिएक्टिन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ दोनों ही केस में प्रोडक्ट क्या होगा, सेम मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच और यहाँ पर ओ एच, ये हो गया, तो ये भी अपने पास मैच नहीं करेगा। फिर अपन लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं डी। डी में अपने पास कैसे कन्वर्जन होगा, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद एम सी पी बी ए। एम सी पी बी ए दिया हुआ है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, एक पर एसिड है, फिर सी एस थ्री एम जी बी आर की रिएक्शन होगी। तो हमारे पास इनिशियली साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन के आपने मेटा क्लो एम सी पी बी ए के साथ में रिएक्शन करी, तो अपने पास जो भी कोई एल्कीन होता है यदि पर एसिड के साथ में रिएक्शन कराए तो यहाँ पर क्या होता है, इपोक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इपोक्सीडेशन होगा, इपोक्सीडेशन से अपने पास जो इपोक्साइड बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन किस साथ करेंगे, सी एस थ्री एम जी बी आर के साथ। अब आप कहेंगे सी एस थ्री जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ईथर्स के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है, इसमें ओनली किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक तो ये ऑक्सीजन है और ये एक, ये दो साइक्लिक ईथर्स को छोड़ के बाकी किसी भी ईथर के साथ सी एस थ्री एम जी बी आर की रिएक्शन नहीं होती, इनके साथ रिएक्शन हो जाती है। बाकी कोई सा भी ईथर हम ले लें इस तरह का या फाइव मेंबर्ड का, उनके यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये एंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल होते हैं और सी एस थ्री माइनस अटैक करके रिंग को ब्रेक कर देता है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अटैक करेगा और यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर सी एस थ्री जो है वो लेट से इस कार्बन पर आ रहा है, तो ये कार्बन कायरल होगा, तो सी एस थ्री के आने के जो चांसेस है वो दोनों तरफ से वेज भी हो सकता है और डैश भी हो सकता है। लेट से एक बार ये अपसाइड से आ रहा है सी एस थ्री, दूसरे वे में क्या होगा, एक बार ये डैश से आ रहा है, ठीक है। अब ये जब बैक साइड से आ रहा है तो अपने पास ये ओ माइनस निकलेगा, ओ माइनस फिर अपन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ओ एच में कन्वर्ट होगा, जो कि इससे अपोजिट होगा सी एस थ्री की पोजिशन से। तो सी एस थ्री यदि वेज पे तो यहाँ पर डैश पे क्या जाएगा, ओ एच, यदि सी एस थ्री डैश पे तो ये वेज पे होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि दोनों प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं अपने पास कायरलिटी की वजह से, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन होंगे, तो हमारे पास ये फाइनली प्रोडक्ट बन रहे इन डी ऑप्शन, जो कि अपने पास ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं ये वाली ऑप्शन। तो हमारा जो कन्वर्जन होगा ये दिए गए कंपाउंड्स के लिए वो करेक्ट होगा ऑप्शन डी, इसलिए आंसर हो गया यहाँ पर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 73 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स 1 to 4 रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन शोन एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एल्डिहाइड से एल्कोहल का कन्वर्जन हो रहा है। तो अपन रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कौन कौन सा है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इन दोनों में से कौन सा अपने को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आप ऑप्शंस को टैली कर सकते हैं कि ऑप्शंस में कहीं पर भी वन पोजिशन पर फोर रिएजेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर टू है, वन है, वन है, टू है, तो इससे भी अपने पास ऑप्शन क्रिएट होते हैं कि यहाँ पर अपन क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। और इसके अलावा भी क्या कह सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो ये इनिशियली इसको प्रायोरिटाइज भी अपन करेंगे। तो यहाँ पर पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, अब CH2OH बनने के बाद में अपन ने H+ लिया, तो H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा OH2+, जो कि रिमूव होकर कार्बोकैटायन का बनेगा, इस पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होगी वो आप यहाँ पर क्लोजली देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर CH2+ कार्बोकैटायन बन गया H+ की प्रेजेंस में, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH2OH, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूल्स को वैसा का वैसा ही, ग्रुप्स को वैसा वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इंट्रा SN2 रिएक्शन होगी, ये इंट्रा SN2 रिएक्शन, इंट्रा SN2 होगी तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा ये इस तरह से मॉलिक्यूल PH, ठीक है। यहाँ पे CH2, ये ऑक्सीजन ये किससे जुड़ जाएगा, इस CH2 से, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को
हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस एच प्लस को रिमूव कर देंगे। इससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ वाला। अब इसमें सेकेंड रिएजेंट अपन कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंड रिएजेंट में देखिए यहाँ पर एल्कीन की जगह दो OS लग रखे हैं, यानी ये पर हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है। पर हाइड्रोक्सीलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, OSO4 यानी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और सिन एडिशन रिएक्शन होती है तो सिन ही एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1-2 पे OH ग्रुप जुड़े हुए तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है बाई बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, HIO4, उसी का ही सॉल्ट क्या है NaI4, IO4 माइनस अपने पास होता है और H प्लस होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास NaI4 फॉर दिस कन्वर्जन, ठीक है। यानी किसी भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो अपन क्या करते हैं, HIO4 या NaI4 दोनों में से कोई सा भी हो, क्योंकि आयोडाइड रिएक्शन कौन सा करता है, ये IO4 माइनस, ये क्या कर लेता है, ये कार्बन को इसको HCHO में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी HCHO में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। यदि 1-2 पोजिशन पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर 1-2 पोजिशन पर OH ग्रुप है, सिमिलरली वैसा ही यहाँ पर कीटोन बन गए। अब कीटोन बनने के बाद में यहाँ पर कीटोन से फिर एल्कोहल बना है तो यहाँ पर फिर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर NaBH4, तो 4 पे आ गया NaBH4, तो यहाँ पर मैच करें, 1 पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यानी 1-2-1 है, 2 पे हमारे पास ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो कि 2 है तो 2 पे 2, फिर 3rd पे हमारे पास NaI4, ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो हमारा जो सिक्वेंस होगा रिएक्शन का वो होगा ऑप्शन डी, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, विच डिस्क्राइब्स द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है तो ये OH क्या करेगा, H प्लस पे अपने रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH2+ यानी PHCCD3CH3, यहाँ पर बन जाएगा OH2+। अब यहाँ से ओ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, PHCCH3CD3, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकैटायन क्या है, SP2 है, प्लेनर है, इस पर आप Br- का अटैक करेंगे तो Br- के अटैक के बाद में अपना अपसाइड से भी अटैक कर सकता है और डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है, तो अपने पास मिक्सचर क्या मिलेगा, यहाँ पर अपने को रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, दोनों R+S कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अपने को मिलेंगे। तो इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या होगी कि यहाँ पर रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि रेसिमाइजेशन हो रहा है ड्यू बिकॉज यानी किस कार्बन पर, उस कार्बन पर जो अपने पास सब्सटीट्यूशन में फेवर कर रहा है। यदि सब्सटीट्यूशन के अलावा कार्बन पर अपना क्या होता, कायरल सेंटर होता तो अपने पास रेसिमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि sp2 से sp3 हो रहा है तो इसी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, r और s यहाँ पर ही अपने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिनाकोल डाई एजोटाइजेशन। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट अपने पास क्या होता था कि जैसे OH यहाँ पर दिए हुए थे, इससे क्या बन जाए C डबल बॉन्ड O और अपने पास पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इस तरह से, ठीक है। पर डाई एजोटाइजेशन अपन क्या यूज़ करते हैं, डाई एजोटाइजेशन से सब सिंपली आपका मीनिंग है कि एमाइन अपने पास हो, उसकी आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराए तो अपने पास क्या बने R N2+, ये जो प्रोसेस है ये डाई एजोटाइजेशन होता है। तो अपने पास सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन अपने को चेक करनी है तो यहाँ पर बी ऑप्शन को आप स्टडी कीजिए। तो बी ऑप्शन में देखिए NaNO2+HCl क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड NH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा सी, यहाँ पर OH, ये N2+, ठीक है, और यहाँ पर MeMe लग गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पिनाकोलोन की तरह ही ये ऑक्सीजन यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा ये बैक साइड से और यहाँ पर नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर Me, यहाँ पर Me और यहाँ पर भी Me, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अपने पास एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी, तो ये सिंपली अपने पास क्या हो रहा है, अपने को पिनाकोलोन फैशन में रिएक्शन चाहिए थी और डाइएजोटाइजेशन भी होना चाहिए था, तो डाइएजोटाइजेशन एमाइंस में होता है और बाकी ऑप्शंस में एमाइंस कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में पूछा गया है कि हमारे पास एक
कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है, उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद B और C बन रहे हैं। तो B एंड C बोथ गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, तो ये मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए पहली कंडीशन, जिसमें जो R है वो कुछ क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स, यानी OH NH2 O C डबल बॉन्ड O R, हेलोजन OR, ये सब नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स सिंपली क्या है, हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो किसका है, कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी एल्डिहाइड या कीटोनी होना चाहिए, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। इसके अलावा अपने पास कुछ भी ऐसे कंपाउंड जैसे एल्कोहल्स होते हैं, यदि इस तरह से एल्कोहल दिया हुआ है अपने पास तो भी अपने पास ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, बाई ऑक्सीडेशन अपने पास ये CH3C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो सकता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पर, I2 plus NaOH, ये मिक्सचर मिलकर क्या बना लेता है, NaOI, जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है एल्कोहल को कीटोन में, और फिर इसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो ये वाला ग्रुप भी अपने पास प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो अपने को यही देखना है कि ये ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं है अपने पास कंपाउंड्स में। तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं, तो ए में हमारे पास देखिए आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ईथर में हाइड्रोलिसिस होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, फिर H2O का अटैक होगा, तो H2O का अटैक कराएंगे आप किस पे, यहाँ पे, और ये रिमूव हो जाएगा। ए में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे बनेंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये OH, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, CH3CH2OH, ठीक है। तो इससे आप यदि टोटोमेरिज्म कराएंगे इसका, इसका टोटोमेरिज्म फर्दर करा देते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, तो ये LDH, ये वाला जो है इथेनॉल ये अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बट ये एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो अपना ऑप्शन ए कंसिडर नहीं होगा कि बी और सी दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देने चाहिए थे, ठीक है। फिर अपन ऑप्शन कौन सा चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में यदि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको सिंपली बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक किया, एच इधर रख दिया, OH इधर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH OH CH3, एक कंपाउंड तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या आ रहे हैं, अपने पास ये ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड जो बन रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, सी ऑप्शन में भी ऐसा ही करना है, आपके पास HOH बनाना है, तो HOH किधर से होगा, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया OH, और बाकी CH3CH2OH इथेनॉल है, इथेनॉल अपने पास इस तरह का होता है, तो ये तो शो करेगा ही। इसके अलावा इसका यदि हम टोटोमेरिज्म करा देते हैं, टोटोमेरिज्म इस तरह से, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है यहाँ पर, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो सी ऑप्शन भी अपने पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दैट मीन्स अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि बोथ बी एंड सी गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड PS3CCOOH इन कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स एक्स व्हेन पावर्ड इनटू मिथेनॉल एक्स इज, मिथेनॉल में यदि इसको ऐड कर दे, जैसे कि हमारे पास PS3CCOOH है, इसके आपने किसके साथ रिएक्शन कराई, सिंपल CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बना, एक्स बना। तो हमें पता करना है कि एक्स कंपाउंड क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो मैकेनिज्म हो सकती है वो कैसे होगी, इनिशियली हमारे पास ये एसिड है, एसिड और यहाँ पर एल्कोहल है, तो सिंपली जो फर्स्ट अपने माइंड में आती है वो क्या आती है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से H और यहाँ से OH निकलकर एसिड एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बट इसके अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यहाँ पर एस्टर बनेगा या दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इनिशियली हमारे पास ये दिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम H प्लस में क्या होता है, H प्लस में ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जिससे इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी बढ़े, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में ये पाई बॉन्ड अपन ने ब्रेक किया, तो ब्रेक करते ही हमारे पास इस कार्बन का टाइप, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, OH यहाँ पर रह गया, अब एक कार्बन पर 2OH हाईली अनस्टेबल है, तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव, ठीक है। इस पर क्या होता है, इस पर आप अटैक कराएंगे किसका, CH3OH का, न्यूक्लियोफाइल की तरह,
तो न्यूक्लियर फाइल की तरह आप यदि इस पर अटैक कराते हैं तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो पी एच अपने पास सी डबल बॉन्ड हो, इससे ये ओ सी एच थ्री होगा क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कैसे करेंगे, एच प्लस को हटाकर, तो यहाँ पर ओ सी एच थ्री ये लग जाएगा, तो हमारा एस्टर यहाँ से बन गया जो कि अपने को यहाँ पर अपने सोचा था, ठीक है। बट इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास ये वाला जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पर आप डिफरेंट कलर लीजिए, कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए और ब्रेक होकर अपने पास यहाँ पर क्या बने, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और यहाँ पर क्या सी ओ गैस बाहर रिमिट हो जाए। तो अपन ने ये कार्बोकैटायन क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास इस कार्बोकैटायन से ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, यानी मोर स्टेबल है, ड्यू टू क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन पे तीन फिनाइल ग्रुप बेंजाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनसे रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, मोर चार्ज डिस्पर्जन, और जितना चार्ज डिस्पर्जन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल अपना कार्बोकैटायन होगा। अब इस कार्बोकैटायन पर अपन क्या करेंगे, अपने पास CH3OH का अटैक कराएंगे, CH3OH का अटैक कराएंगे, तो अपना फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या होगा, यावर पीएच, यावर पीएच, इससे ये ओ सी एस थ्री ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपना ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आपके पास एक ही एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट आ रहे हैं, कि हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट लेट से ये है इंटरमीडिएट वन, ये है इंटरमीडिएट टू, तो दो इंटरमीडिएट है, दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड वाला, तो जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, और लेस स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर यदि रिएक्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या एज्यूम करते हैं कि वो मेजर प्रोडक्ट को पूछ रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर दोनों दिए हुए, ये दोनों तो होंगे नहीं, ए और सी, ये अपना माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यदि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तब अपने पास ए और सी दोनों ही आंसर होते, बट ये सिंगल चॉइस है तो सिंगल चॉइस में आपको ओनली मेजर प्रोडक्ट को ही टिक करना है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा है सेकंड की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज डिस्पर्जन है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा यदि अपन स्टेबिलिटी देखते तो इस ऑक्सीजन के प्लस एम की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपना आंसर अपन ने टिक कर लिया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, 78 में यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है, टोसिल क्लोराइड दिया हुआ है, टोसिल क्लोराइड सिंपली क्या होगा, ये अटैक करेगा Cl, यानी ये TsCl है, यहाँ पर TS पे अटैक करेगा, Cl रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, अपने पास ROTS, यानी ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पर OTS, ठीक है। फिर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने को एच माइनस देता है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म की तरह, और OTS रिमूव हो जाएगा क्योंकि OTS अपना अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन टाइप से होगा, और ये कैसे हो जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट अपना फाइनल जो बन जाएगा यहाँ पर बेंजीनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन आप देखना चाहें तो दूसरे एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे आप एल्काइल हैलाइड ले लें, CH3Cl का आप रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपके पास क्या बनता है CH3H यानी CH4, तो वहाँ पर क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एच माइनस सिंपली अटैक करता है Cl, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप रिडक्शन कराते हैं वहाँ पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ से एच माइनस देगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कार्बन पे, और यहाँ पर O माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाता है CH3C O माइनस ये H CH3, और फिर अपन हाइड्रोलिसिस करके इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, पर मेनली अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या रोल है, यहाँ पर हाइड्राइड देने का, ठीक है, वही अपना यहाँ पर हो रहा है। अब हमारे पास TS के बारे में आपको यदि पता करना है कि ये क्या है, ये टोसिल क्लोराइड होता है, टोसिल क्लोराइड टोसिलेट आयन अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है O माइनस CH3, ये है TsO माइनस जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि ये जो एनायन है ये काफ़ी स्टेबल एनायन है ड्यू टू थ्री इक्वल आर एस की वजह से वीक बेस है, तो वीक बेस होगा तो गुड लिविंग ग्रुप भी होगा, ठीक है। इस बेसिस पे हमने आंसर जो बी हो जाएगा अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में पूछा गया है कि इन द गिवन पेयर ऑफ एल्कोहल इन विच पेयर सेकेंड एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में यदि एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं एच प्लस किस अटैक होगा, इनिशियली आर ओ एच टू प्लस बन गया, तो अपने पास वाटर का रिमूवल करके क्या बन जाएगा आर प्लस, तो ये जो रिएक्टिविटी है
रिएक्टिविटी अपनी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के, कि कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है और कितना लेस स्टेबल है। तो अपने पास ए ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ही OH को रिमूव किया, यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी। बी में भी देखें तो ये कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो रिएक्टिविटी इसमें भी इसी की ज़्यादा होगी। सी ऑप्शन में चेक करें, यहाँ पर प्लस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, ये क्या है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, दैट मीन्स रिएक्टिविटी यहाँ पर भी फर्स्ट की ज़्यादा होगी। डी ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर देखें इसको आप यदि ओपन करते हैं तो CH3C, यहाँ पर सी, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये क्या है टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंड कंपाउंड की रिएक्टिविटी HBr के साथ ज़्यादा होगी। अपने को पूछा गया था कि सेकेंड कंपाउंड अपना किस में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अपना ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में पूछा गया है कि रैंक द ट्रांजिशन स्टेट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये रिएक्शन जो हो रही है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, यानी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें क्या हो रहा होगा कि CH3 है, यानी ये कार्बन, इसे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस पर ये डॉट 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 हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होगा, और डेल पे कार्बन पे क्या आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ट्रांजिशन स्टेट में अपना जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टेबलाइज हो रहा होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी, और रिएक्शन फास्टर होने का मतलब क्या है कि सिंपली वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन ये बना, यहाँ पर इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है, वही अपना ट्रांजिशन स्टेट का भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर ये क्या है टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 2 फिर 3 फिर 1, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगी उसी में अपने पास क्या होगा, रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी, रिएक्शन रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो अपना जो ऑर्डर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 2 3 1, यानी ऑप्शन सी, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.